हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 55 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट 1 mm is connected to a power supply of 100 volt. A dielectric slab of thickness 1 mm and dielectric constant 5 is inserted into the gap. Find the increase in electrostatic energy. If the power supply is now disconnected and the dielectric slab is taken out, find the further increase in energy. Why does the energy increase in inserting the slab as well as taking it out? ओके, इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। हो क्या रहा है? ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्लेट एरिया है और इसमें जो सेपरेशन है 1 mm का है। ओके, तो इस बेसिस पे हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, बाद में कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये जो कैपेसिटर है ये कनेक्टेड है एक 100 वोल्ट की पावर सप्लाई से। ओके, तो 100 वोल्ट का पावर सप्लाई, अब क्या कर रहे हैं कि इस कैपेसिटर में हम एक डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, ये डायलेक्ट्रिक स्लैब हो गया हमारा इस कैपेसिटर में, इस पूरे स्पेस में, आप समझ रहे हो, पूरे स्पेस में हम डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना इंक्रीज करेगा आप ये बताइए। तो ठीक है, एक चीज देखो, जब हम इंसर्ट करेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस तो यही डिटरमाइन करता है। ओके, तो देखो एनर्जी जो इंक्रीज करेगी, देखो पहले एनर्जी क्या थी E1, तो वो हाफ सीवी स्क्वायर थी। ओके, पहले एनर्जी, जब ये इंसर्ट करने से पहले, इंसर्ट करने के बाद जो एनर्जी जो हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, हाफ के सीवी स्क्वायर। ओके, तो इंक्रीज इन एनर्जी देखा जाए, इंक्रीज इन एनर्जी वो क्या होगा, बेसिकली वो होगा आपका 1/2 सीवी स्क्वायर 1 माइनस के, या फिर के माइनस 1, बेसिकली फाइनल, ये फाइनल एनर्जी है, ये इनिशियल एनर्जी है, फाइनल माइनस इनिशियल करना चाहिए। सो दैट्स इंक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू के माइनस 1। ओके, ये हमारी हो जाएगी इंक्रीज इन एनर्जी। तो बेसिकली हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और सी की वैल्यू क्या होगी, यहां पर आप ध्यान दो, तो 4 × 100 × 10⁻⁴ × 8.85 × 10⁻¹² डिवाइडेड बाई सेपरेशन, सो 1 × 10⁻³। ओके गाइस, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं व्हाट आई गेट, तो यहां पर आ जाएगा 4 × 8.85। ओके, आप देखो ये 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 − 4 1 और −12, तो दैट मीन बी 10⁻¹². ओके, तो चलो मैं इसकी वैल्यू यहां पर रख देता हूं सी की। सो व्हाट इज इंक्रीज इन एनर्जी, 1/2 × 4 × 8.85 × 10⁻¹² इंटू, ये वी स्क्वायर 100 वोल्ट की पावर सप्लाई था, लेट मी चेक, 100 वोल्ट का पावर सप्लाई है, दिस इज 100 वोल्ट, तो वी स्क्वायर मतलब 10⁴, और के माइनस 1, के की वैल्यू 5 है, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मटेरियल का वो 5 है। ओके, तो यहां पर आ जाएगा 4। सो गाइस, अगर हम इसको सॉल्व करें तो अब ध्यान से देखो ये 2 हो जाएगा। ओके, तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो व्हाट वी गेट, वी विल गेट 70.8 × 10⁻¹⁷। ओके,
मतलब 7.08 × 10⁻⁶, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 7.08 माइक्रो जूल। इतना एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा इस अमाउंट से। देखते हैं वर्मा जी ने आंसर क्या दिया है गाइस। गाइस जो वर्मा जी ने आंसर दिया है, वर्मा जी का आंसर आया है 1.18 माइक्रो जूल। एक मिनट मेरे को चेक कर लेने दो वर्मा जी ने दिया क्या है, जहां तक मेरे को ध्यान है इनका यही आंसर आया है। हाँ, 1.18 माइक्रो जूल। अब मुझे नहीं पता एक्चुअली ये आंसर आया क्यों है, बट कंसेप्चुअली देखा जाए गाइस, तो जो हमने स्टेप फॉलो किए हैं, मतलब लाइक यहाँ पे केसी हाफ स्क्वायर करना, वो सही है। ओके, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कीजिए और आप अपने लेवल को भी चेक कीजिए। मुझे जहां तक लगता है कि ये जो आंसर है वो मिसप्रिंट हुआ है। ओके चलो, तो इसी के साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। ये क्या है, इफ द पावर सप्लाई इज नाउ डिसकनेक्टेड एंड डायलैक्ट्रिक स्लैब इज टेकन आउट, फाइंड द फर्दर इंक्रीज इन एनर्जी। पूछ रहे हैं कि अगर इसको मैं डिसकनेक्ट कर दूं यहां से पावर सप्लाई को और फिर स्लैब को निकाल दूं, तो कितना एनर्जी इंक्रीज होगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो चलो इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगा। ओके, एक चीज देखो, जब इस पे मतलब जब ये कनेक्टेड, जब डायलैक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो इस पे क्यू कितना होगा चार्ज, तो चार्ज होगा बेसिकली के सी भी होगा। ओके गाइस, और अगर अब उसके बाद मतलब हमने क्या किया कि ये यहां से बैटरी, ये जो कैपेसिटर से, ये जो 100 वोल्ट की बैटरी थी, इसको डिसकनेक्ट कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया। तो जो चार्ज होगा, ये जो चार्ज है, ये क्यू तो भाई रिटेन रहेगा। ओके, जो क्यू है वो रिटेन हो जाएगा, चार्ज यही रहने वाला है। अब इसके बाद हमने फिर क्या किया, ये डायलैक्ट्रिक को भी निकाल दिया। हमने क्या किया, डायलैक्ट्रिक को भी निकाल दिया। जब डायलैक्ट्रिक को हम निकालेंगे तो बेसिकली क्या होगा, जब हम डायलैक्ट्रिक को निकालेंगे तो निकालने के बाद जो हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो कैपेसिटेंस हो जाएगा सी। ओके गाइस, और देखो इस केस में जब डायलैक्ट्रिक डाले हुए थे तब एनर्जी कितनी थी, तब एनर्जी थी देखो क्या मैं लिख सकता हूँ, हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, मैं इसको कन्वर्ट करूं तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज हाफ क्यू का स्क्वायर बाई सी। ओके, सी से मल्टीप्लाई करके हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी एनर्जी। आई कैन राइट एनर्जी इन दिस फॉर्म में। तो देखो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी यही होगी, ये वाली, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। ओके, अब जो फाइनल एनर्जी होगी गाइस, जो फाइनल एनर्जी होगी, फाइनल एनर्जी डायलैक्ट्रिक निकालने के बाद वो क्या होगी, फाइनल एनर्जी आफ्टर टेकिंग आउट डायलैक्ट्रिक। डायलैक्ट्रिक जब निकाल देंगे तो एनर्जी कितनी होगी, ये जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। एंड व्हाट इज क्यू, क्यू इज बेसिकली के सी वी। सो के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ओके, दैट मीन्स 1/2 के स्क्वायर सी वी स्क्वायर। ओके, सो आप देखो कि एनर्जी इतनी, इतना हो जाएगा एनर्जी। तो देखो चेंज इन एनर्जी देखा जाए तो जो चेंज इन एनर्जी जो होगा, चेंज इन एनर्जी वो बेसिकली क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका हाफ k
के स्क्वायर सी वी स्क्वायर माइनस हाफ के सी वी स्क्वायर. ओके, तो व्हाट कैन आई राइट, 1 बाई टू सी वी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस. ओके गाइस, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं व्हाट आई गेट, 1 बाई टू सी वी स्क्वायर माइनस 25 माइनस 20, सो दिस विल बिकम 1 बाई टू सी वी स्क्वायर इंटू 20, सॉरी ये 5 होगा ना, इंटू 20. ओके, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली आपका एनर्जी इंक्रीमेंट होगा. दिस इज द इंक्रीज इन एनर्जी. ओके, अगर क्योंकि आप निकाल दोगे तो ये हो जाएगा एनर्जी, एंड हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा. ओके गाइस, तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करें व्हाट वी गेट हियर, 10 सी वी स्क्वायर हो जाएगा. ओके, और सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज 4 × 8.8. ओके, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 8.85 × 10⁻¹2, 10⁻¹11. ओके, 10⁻¹11 इंटू वी स्क्वायर, मतलब 10⁴ × 10. सो व्हाट वी गेट, 4.4 × 8.85 × 10⁻¹6. ओके गाइस, 10⁻¹6, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, ये 4 × 8.85, दैट मीन्स 35.4 माइक्रो जूल. इतनी एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. इतनी एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी. ओके, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एनर्जी इंक्रीज क्यों करेगी. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाई डू एनर्जी इंक्रीज व्हेन इंसर्टिंग द स्लैब एज वेल एज टेकिंग इट आउट. तो एक चीज देखो, एक तरीका क्या है, जब आप स्लैब इंसर्ट कर रहे थे, तो ये बैटरी जो है वर्क कर रहा था. बैटरी ने क्या किया, वर्क किया. ओके, आपने यहां पर स्लैब रखा और बैटरी इज डूइंग वर्क, बिकॉज बैटरी के थ्रू जो चार्ज निकल रहा था. ओके, तो बैटरी इज डूइंग वर्क. ओके, अब जब उसके बाद आपने क्या किया कि इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करने के बाद यहां से जो ये है आप इसको निकालने लगे, तो गाइस आप देखोगे ये, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पे आपने वर्क किया. आपने किस पे वर्क किया, ओके, आप जब वर्क करोगे तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा. ओके, मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो स्टोर एनर्जी है वो डिक्रीज होगी और इस पे एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो यहां पर जब आप टेकिंग आउट कर रहे थे, यू आर डूइंग द वर्क, और जब इंसर्ट हो रहा था तो ये जो कंडक्टर है, दिस कंडक्टर, दिस इज डूइंग द वर्क, सॉरी बैटरी, बैटरी इज डूइंग द वर्क. ओके, एंड ड्यू टू इट एनर्जी जो थी क्या थी, इंक्रीज होता दोनों केस में. सो दैट्स ऑल गाइस, एक्चुअली वर्मा जी में इन दोनों का आंसर मतलब मैच नहीं हो रहा है मेरे आंसर से. ओके, आई डोंट थिंक कि कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ है,
कैलकुलेशन में भी ऑलमोस्ट सही किया गया है। ओके गाइज, अगर आपको इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक्स ओके इन एनीथिंग प्लीज राइट डाउन इट इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होम मास्टरी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।